ये रहे हमारे संस्थापक, ये रहा हमारा स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम हॉल। तो दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे एक नए और ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आप सबको कराने वाले हैं अपने कॉलेज का टूर। तो वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आइए आप सबको वीडियो पहले चलते हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारा बीएड विभाग, बीएड और एमएड विभाग, जहाँ पे बीएड की और एमएड की क्लासें चलती है। रानी सुषमा देवी भवन शिक्षा संस्था, ये रहा। आज संडे है तो देखिए ताले लगे हैं। तो सामने सेंट्रल लाइब्रेरी दिख रही है, डिपार्टमेंट में लाइब्रेरी इधर। ऊपर हमारी क्लासेज ऊपर चलती हैं, एडेड की एक क्लास चलती है, सेल्फ फाइनेंस वालों को उधर चलती है, एमएड वालों की इधर पीछे चलती है। ये रहे हमारे संस्थापक महोदय जो RRPG कॉलेज की नींव रखे थे। इधर चलती हैं दोस्तों ग्रेजुएशन वाली कक्षाएं, जैसे BA, BSc, BCom। तो दोस्तों ये देखो यहाँ के चौकीदार हैं, ये समझ रहे हैं कहीं दूसरी जगह से आए हैं यहाँ की ये रखवाली करते हैं। देखो अरे हम भी यही के हैं देवी जी। तो अब आ चुके हैं हम सब फुलवाड़ी में। दोस्तों ये रहा हमारा वॉलीबॉल कोर्ट जो कि बच्चे लोग शाम को खेलते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये रहा। परीक्षा फॉर्म वगैरह मिलते हैं, गेट की एंट्री करने से ही आपको दिखेगा ये। इधर भी अंदर क्लासेस चलती हैं, परीक्षा कार्यालय। ये रहा हमारा जनरेटर कक्ष। हॉस्टल में या फिर कॉलेज में जब लाइट चली जाती है तो यहाँ से जनरेटर को ऑपरेट किया जाता है। इधर भी ग्रेजुएशन की कक्षाएं चलती हैं, जैसे कि BA BSc वालों की। तो अब चल रहे हैं हम सब हॉस्टल की तरफ। ये रहा हमारा सेमिनार हॉल। कुछ भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे सेमिनार हॉल में प्रोग्राम अंदर होता है, दिखाना चाहेंगे आपको। तो दोस्तों बंद है ये देखिए हल्का हल्का दिख रहा होगा। कुछ भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता है तो यहाँ सेमिनार हॉल में होता है। स्विमिंग पूल हमारा सबका जो तरणताल है उसके बगल है। ये रहा हमारा स्विमिंग पूल जो कि भी बंद है, आई होप शायद गर्मियों में खोला जाए। सब लोग को एप्लीकेशन दिए हैं शायद गर्मियों में खुल जाए। तो दोस्तों ये रहा SC वालों का हॉस्टल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है इनका सबका। ये हमारे प्रमोद सर, सुबह सुबह बरस सर इतनी टाइम संडे मना रहे थे। अच्छा संडे मना थे, फुल एंजॉय कर रहे हैं संडे का फंडे मना रहे हैं आज। तो अब हम आपको दिखाते हैं NCNC ग्राउंड।
ये रहा हमारा व्यायामशाला, यहाँ पे हमारे अंदर गेम होते हैं। ये देखिए, जैसे कि टेबल टेनिस कोर्ट हुआ, अंदर जिम भी है, बंद है, अभी लॉक है। तो दोस्तों, अंदर का नज़ारा कुछ ऐसे दिखता है, अंदर से क्या बोले, बाहर से ही है। यहाँ पे अंदर हमारी जिम है, टेबल टेनिस कोर्ट है और बैडमिंटन कोर्ट है। तो ये देखिए, बच्चे लोग हैं जो प्रतिभाग लिए थे, अवार्ड वगैरह मिला है कुछ। भाई साहब पानी देकर जा रहे हैं हमारे हॉस्टल में। तो ये रहा गेट नंबर 2, ये सुबह के 8 बजे से खुल जाता है और शाम को 4 बजे तक खुला रहता है। बच्चे इधर से ही अपना साइकिल पार्क करते हैं, उधर पार्किंग बना है। दोस्तों ये रहा गेट नंबर, जो शाम को खुलता है, शाम को 5 बजे से खुला रहता है 10 बजे तक। बाकी आप भी और भी इमरजेंसी में आ सकते हैं, लेकिन दिन में ये बंद रहता है क्योंकि इधर से स्टूडेंट लोग आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों अब आप सबको दिखाना चाहेंगे हमारा ऑडिटोरियम हॉल। कुछ भी बड़ा प्रोग्राम होता है, जैसे कि सेमिनार हुआ, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को भी राष्ट्रीय पर्व हुए, तो बड़ा प्रोग्राम होता है तो इसी के अंदर होता है। ये रहा, बाकी छोटा मोटा प्रोग्राम तो उसमें सेमिनार हॉल में ही हो जाता है। एंट्री गेट ये रहा। दोस्तों इधर रहा गर्ल्स हॉस्टल, ये रहा गेट नंबर 2, गेट नंबर 1 उधर है। दोस्तों यह रहा हमारा ग्राउंड, जो भी कुछ भी गेम होता है तो यहाँ पे किया जाता है। ये रहा हमारा ग्राउंड। खत्म करते हैं, और हाँ, इसका पहला पार्ट अगर ना देखे हो तो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखिएगा। आई होप आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।